अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शरीफ घर की है, क्या किया है तूने? बोलना, चोरी किया है क्या? या डाका डाला है तूने? देखकर हैरान हो गई? नहीं, अरे तुम तो हमें यहां पहुंचाने वाली थी और देखो तुम खुद यहां आ गई। वो क्या कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंशुमन के लिए दुखी हो, होती रहो और सड़ती रहो यहीं। वो नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए क्योंकि अब वो तुम्हारे पति से ज्यादा हमारा बेटा है। चलो कैद में बंद बुलबुल से सीधी बात कर लेते हैं। क्या कह रही थी तुम कि हम अंशुमन की मां नहीं है? हाँ नहीं है हम उसकी मां, हम चकरानी हैं, उस तरह गैंग की सरदार जिसके एक इशारे पर किसी की भी गर्दन काटी जा सकती है। तुम यहां बैठकर फड़फड़ाती रहो और तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य को बर्बाद कर देंगे हम, और उसकी शुरुआत होगी तुम्हारे पति से। हमारे पति और परिवार को बर्बाद करेंगी आप, ऐसा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम यहाँ जिंदगी भर कैद रहेंगे। हमें पूरा भरोसा है अपने पति, अपने प्यार पे, जिसके नाम की हम मंगलसूत्र पहनते, माथे पर सिंदूर लगाते, आपकी आंखों के सामने से हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। और एक बार हम बाहर निकल गए ना, फिर बाजी पलटते देर नहीं लगेगी। यही सलाखें आपका इंतजार करेंगी चक्रानी, जाइए यहाँ से। हमने कहा जाइए, जाइए यहाँ से। मुझे माफ कर दो, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अब मैं आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारा अंशुमन हमेशा तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। जेल में थी इसलिए बच गई, वरना चकरानी पर वार करने वाले का गला उस तरह की थार का शिकार बन जाता है।
लेकिन इंस्पेक्टर साहब आप स्टेशन इंचार्ज हैं, आप तो बेल ग्रांट कर सकते हैं ना। अंशुमन जी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये मर्डर का मामला है। मर्डर वेपन पे आपकी पत्नी की उंगलियों के निशान मिले हैं, अब इंक्वायरी बैठेगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप घर जाइए। लेकिन सर मैंने कहा ना कुछ नहीं हो सकता, घर जाइए प्लीज। अच्छा कम से कम आप मुझे सुमन से मिलने तो दीजिए एक बार। आपको बात समझ नहीं आ रही है, घर जाइए ना। अंशुमन जी, हमारे अंशुमन जी आ गए। अंशुमन जी, अंशुमन जी, अंशुमन जी, हमें विश्वास था हमारे अंशुमन जी जरूर आएंगे। हमारे अंशुमन जी, नंदन तुम यहाँ बाहर बाहर हमारे अंशुमन जी आए ना, हमने उनके फोन की घंटी की आवाज सुनी, जाओ ना उनके बुला के लाओ, हमें उनसे मिलना है, हमें उनसे बात करनी है, अंशुमन जी को बुला कर। भालो अपने आप को, रिलैक्स, मैं बाहर से आ रहा हूँ लेकिन मुझे बिब्बी कहीं नहीं दिखाई दी, वो घर पे ही। मुझे लगता है कि शायद बिब्बी ने तुम्हें गलत समझ लिया इसलिए उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि सुमन बिग्बी है ना, वो माँ आई मीन वो चकराने की बातों में पूरी तरह से आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था सुमन कि बिग्बी का प्यार तुम्हारे लिए इतना कच्चा निकलेगा। नहीं नंदन, तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, हमें पूरा विश्वास है हमारे अंशुमन जी पर, वो यहाँ जरूर आएंगे, हमें हमें यहाँ से निकालेंगे। अंशुमन नहीं आएंगे यार, वो नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, नहीं आएंगे वो। मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए, बस तुम ना अपना प्यार लुटाते रहो सभी पर, बट तुम्हारे प्यार की ना कदर किसी को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं खड़ा मिलूंगा तुम्हारे साथ हर एक कदम पर। सॉरी सुमन, वो खराब सिचुएशन हो गया है ना, दिमाग कंट्रोल में है ही नहीं। मेरा मतलब ये है कि डीएनए रिपोर्ट के बाद शायद बिग्बी को लगा कि तुम गलत हो और इसलिए उनका तुम पर से भरोसा टूट गया है। डोंट वरी, हाँ आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकल गया। नंदन हमें एक बात बताओ ना प्लीज, तुम्हें तो डीएनए रिपोर्ट के बारे में पहले से पता था, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि डीएनए रिपोर्ट में क्या है? हाँ 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 सुमन बता सकता था, लेकिन वो क्या है ना कि जैसे ही डीएनए रिपोर्ट मेरे हाथ में आया ना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, मैं खुश हो गया था कि झगरानी का सारा पोल, सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, और तब सडनली ये धुरिया धुरिया मेरे सामने आ गया, मैं उसकी बातों में आ गया और उसी बातों में बिजी हो गया, और उसके बाद मुझे दोबारा मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें फोन कर पाऊँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हारे पास तो बहुत समय था हमें बताने के लिए, तुम हमें मैसेज कर देते ना, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया, उल्टा हमें विश्वास दिलाया कि सब कुछ हमारे पक्ष में, ऐसा क्यों किया तुमने? बिल्कुल सुमन, मुझे भी विश्वास था, जब डॉक्टर ने ये बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव है तो मुझे लगा कि हमारे लिए रिपोर्ट पॉजिटिव है, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था, एक्साइटेड हो गया था, और उसके बाद वही सडनली धुलिया मुझे मिल गया, फिर बातों में बिजी हो गया। और सुमन सुमन सुमन, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो, कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, बहुत टेंशन में हो, तुम ये सब मत सोचो कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलूंगा, ओके? डोंट वरी। तुम जानती हो उन पेपर्स पे क्या लिखा है? इन पेपर्स पे लिखा है कि ये मेरी माँ है। क्या हम जैसा सोच रहे वही सही है, लेकिन नंदन ऐसे क्यों करेगा? क्या आप भी नंदन के दिल में हमारे लिए वही सोच है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा है तो अंशुमन जी बहुत मुश्किल में फंसे हैं, और हम यहाँ बंद है,
का इलाज, वापे का सहारा, जैसे आपने अपने जन्म के समय सारी सलाखें खोल दी थी, आज भी कुछ वैसा ही चमत्कार कीजिए। किस काना जी, कोई है? हमें पानी चाहिए, पानी खत्म हो गया, यहाँ पे बहुत प्यास लग रही है। कोई है? चिल्ला क्यों रही है? हमें बहुत प्यास लग रही है, हम मर जाएंगे प्यासे, आप प्लीज पानी ले आइए। अब मरने वाला काम किया है, तभी तो यहाँ बंद है। ये लो। थैंक यू। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो हैं? मैडम क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? ये लीजिए। ऐसे चाबी चुराना पड़ा, लेकिन हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। हमें हर हाल में अंशुमन जी को बचाना है। सब करने की जरूरत नहीं है सुमन, तुम्हारा अंशुमन हमेशा तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। मैंने बेल के पेपर सबमिट कर दिए, अब मैं तुम्हें यहां एक पल और नहीं रहने दूंगा। मुझे माफ कर दो सुमन, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, अब मैं आ गया हूं ना सुमन, मैं सब ठीक कर दूंगा। अंशुमन जी, हम जानते थे कि आप जरूर आएंगे, हमें पूरा विश्वास था कि हमारे प्यार की जीत होगी, क्योंकि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, आप हमारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। सुमन हमें चलना चाहिए, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है।
अंशुमन जी, पर एक सच ये भी तो है ना कि कानून की नजर में, दुनिया की नजर में हमने किसी का खून किया है, हम एक खूनी है। अगर इस बात पर आप भी हमारा विश्वास नहीं, मैं अपनी सुमन को जानता हूं, मैं एक पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास कि मेरी सुमन सपने में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती, और खून करना तो बहुत दूर की बात है। सुमन, अगर मुझे लेके तुम्हारे मन में कोई नाराजगी है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। अंशुमन जी, आपके और हमारे बीच माफी जैसी बात तो कभी आ ही नहीं सकती। विश्वास की डोर से बंधी सुमन हमेशा अंशुमन की है और हमेशा अंशुमन की रहेगी। और भला आपकी सुमन अपने अंशुमन जी से नाराज कैसे रह सकती है? बहुत हुआ तुम्हारा रोना धोना, गले मिलना, प्यार दुलार, बस एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए फिर तुम्हारी सुमन झा को ना हवालात में घसीट कर लेकर जाऊंगा, समझे अंशुमन झा? अंशुमन जी, आपने अब तक इसे संभाल कर रखा है, अपनी जान से भी ज्यादा। बहुत अहमियत है इसकी मेरे लिए। सुमन, तुमने माजी के बारे में और उनके डीएनए रिपोर्ट के बारे में पता करने की कोशिश तो की, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ पता नहीं चला। अंशुमन जी, आप तो हमारी बात मानेंगे नहीं, और अंशुमन जी संभालिए। आप ऐसे सड़क के बीच में क्यों खेल रहे हो? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? उधर है। सुमन, इसे घर छोड़कर आते हैं। इसे घर वालों को बताना जरूरी है कि बच्चों को ऐसे सड़क में अकेले नहीं छोड़ते। जी अंशुमन जी। घर चलें? चलो। ये तो वही जगह है जहाँ हमें धुलिया मिला था। बेटा, यही है आपका घर? हाँ, यस। चलो। बेटा, ये कौन है? ये वो मेरे पति है। आप लोग कौन है? मेरे पति से कुछ काम था क्या?
देखिए, हम जो अभी आपसे कहने वाले हैं उसे सहन करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। हम और हमारे पति हमेशा आपके और आपके बच्चों के साथ हैं। तो दरअसल पापा, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। क्या है? जूलिया जा, रुक, जूलिया। करके तो फंसाता है। क्यों किया तूने ये सब? बोल,